अमेजोन से मंगाया हमने अपना फ़ोन, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पैकिंग आपको मिलेगी देखने के लिए। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अभी इस जगह से आपको इसको ओपन करना होता है। कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आप देख सकते हैं अमेजोन का बॉक्स। इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में हमारा जो फ़ोन का बॉक्स मिलेगा, कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। ये आप देख सकते हैं फ़ोन का बॉक्स। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं वन प्लस नोट टू की अनबॉक्सिंग। कुछ इस तरीके का बॉक्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा अभी। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने बॉक्स को। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं नाइफ ले लेता हूँ और इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ इस जगह से। तो ये देख सकते हैं साइड में इसमें दिया हुआ है कट करने के लिए जगह। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे अभी रैपर को। और कट करने के बाद में इसको हम अभी यहाँ से हटा लेंगे। तो ये हटने के बाद में जो बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। ये आप बॉक्स देख सकते हैं इसका, और यहाँ पे इसमें सारा मेंशन है क्या क्या चीज़ है, वो मैं भी आगे आपकी वीडियो में दिखा दूँगा। बाकी फ़ोन के बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा मिलेगा, इस जगह आपको कलर लिखा मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, 29,999 रुपये का आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगा। बाकी मोबाइल के साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, इस जगह आप मेंशन देख सकते हैं। इस जगह आपका एड्रेस देखने के लिए मिलेगा, कहाँ से फ़ोन अभी मैन्युफैक्चर हुआ है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन इस जगह भी दी गई है, कस्टमर केयर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स के ऊपर दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। इस जगह पे आपका सारा ऑप्शन, IMEI नंबर वगैरह सारा सब कुछ बॉक्स के ऊपर ही मैंशन होता है। और इस जगह आप देख सकते हैं ओनली फॉर सेल एंड वारंटी इन इंडिया, ये जो बॉक्स है इंडिया के लिए बना गया है सिर्फ ये। तो अभी हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं वन प्लस का बॉक्स, और ये रहा हमारा फ़ोन। ये देखिएगा, इसमें आप अपना फ़ोन देख सकते हैं जो वन प्लस का फ़ोन दिया गया है। तो अभी हम इस फ़ोन को साइड कर लेते हैं और बात करते हैं आगे इसमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलेगी आपको देखने के लिए। तो ये रहा फ़ोन, इसको अभी हम साइड रख देते हैं अभी, और इसमें देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आप देख सकते हैं इसमें एक इसका कवर दिया गया है, ये देखिएगा, ये इस फ़ोन के साथ में आपको कवर मिलेगा इसका वन प्लस का। ये कुछ इस तरीके का कवर आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम इसको साइड रख देते हैं कवर को, और इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ यूज़र गाइड वगैरह आपको मिलेंगे देखने के लिए। और ये वन प्लस के स्टिकर हैं, इसमें स्टिकर भी मिलते हैं आपको वन प्लस के। ये यूज़र गाइड वगैरह है इसमें, और ये एक मेम्बरशिप का कार्ड मिलेगा आपको वन प्लस का। ये आप देख सकते हैं मेम्बरशिप कार्ड वन प्लस का है आपको, और इसमें कुछ फ्रेंड वगैरह कुछ यूज़र गाइड वगैरह की लिस्ट आपको देखने के लिए और मिलेगी फ़ोन के अंदर। तो अभी हम इन सब चीज़ों को साइड कर देते हैं। इसके अंदर आपको एक सिम ट्रे इजेक्टर मिलेगी आपको, और साथ के साथ इसमें आपको जो चार्जर देखने के लिए मिलेगा वो 65 वाट का चार्जर मिलेगा। इस तरीके का चार्जर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ये आप देख सकते हैं इसका 65 वाट का चार्जर। तो इसको भी हम साइड रख देते हैं और देखते हैं इसमें जो आपको डेटा केबल मिलेगी वो कौन सी मिलेगी। आप देख सकते हैं टाइप सी डेटा केबल आपको देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। प्लस इसका जो पैकिंग दी गई है वो काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है। आप कलर देख सकते हैं डेटा केबल का, रेड कलर का कॉम्बिनेशन इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा। प्लस ये देख सकते हैं आप इसके सारी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में इसकी। तो अभी हम इसको साइड रख देते हैं और अपने फ़ोन के बारे में अभी हम बात करें। चलिए बात कर लेते हैं अपने फ़ोन के बारे में। जो फ़ोन देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके का फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेगा। बैक लुक आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन की, प्लस इस तरीके से फ्रंट पे मिलेगा आपको। तो अभी हम इसकी पैकिंग को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं इस जगह से पैकिंग दी हुई है इसकी। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखिएगा, ये आप बैक लुक देख सकते हैं फ़ोन की, ये देखिएगा, कुछ इस तरीके का फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है आपको इसके अंदर। वॉल्यूम बटन आपको इस जगह मिलने वाला है देखने के लिए, यहाँ से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। इस जगह आपको सिम टूल किट मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे आप अपनी सिम लगा सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोफोन आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको टाइप सी का जैक मिलने वाला है। इस जगह आपको स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपने मोबाइल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन है। इस जगह आपको नोटिफिकेशन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। प्लस एक सेकेंडरी माइक्रोफोन इस जगह ऊपर आपको मिलेगा, और बाकी आप कैमरा देख सकते हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें आपको मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं फोन की लुक जो होगी कुछ इस तरीके की होगी।
ये देख सकते हैं आप, इन डिस्प्ले आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा फ्रंट में। तो अभी हम अपने मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, ये देखिएगा। तो ये अभी हमारा मोबाइल फोन ऑन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वन प्लस का लोगो आपको फ्रंट पे देखने के लिए मिलेगा, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो इस जगह आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका मोबाइल फोन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ऑन होने के लिए, जिससे कि हम इसको आगे आपको मैं प्रोसेसिंग दिखा पाऊँ। बाकी इसके अंदर जो आपको बैटरी मिलेगी वो 4500 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली है, और इसका जो बैकअप रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लस चार्जिंग तो आपको पता ही है, इसमें 65 वाट की चार्जिंग आपको दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे समय लग रहा है फ़ोन आने में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। इस पर लिखा आ रहा है जस्ट अ सेकेंड, तो मैं इसको अभी नॉर्मली स्टार्ट कर लेता हूँ, बाकी इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से आप इसको चालू कर सकते हैं अपने फ़ोन को। बाकी अभी हम इसमें नेटवर्क वगैरह सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम ऑफलाइन अभी सेटअप कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये डेट वगैरह हम सारी चीज़ें बाद में सेटअप करेंगे, तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको बना करके कैसे आपको सेटअप करना है, क्या करना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन बोलेगा क्या करना है कैसे करना है वो सारी चीज़। ये देख सकते हैं अभी हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है, आप सारी चीज़ें इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी जो डिस्प्ले वर्क कर रही है वो बहुत स्मूथ कर रही है, काफ़ी अच्छे डिस्प्ले वर्क है, क्योंकि इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले दी गई है 6.4 इंच की, आपको बताया था हमने डिस्प्ले मिलने वाली है इसके अंदर। बाकी एक बार हम इसके सेटिंग में जाके देख लेते हैं आपको एंड्रॉयड वर्जन कौन सा मिलने वाला है। तो इस जगह हम सारी सेटिंग बाद में कर लेंगे, जो आईडी वगैरह अपना डाल लेंगे सब कुछ यहाँ पे बना करके। तो मैं अभी आपको इसका अबाउट चेक करा देता हूँ। अबाउट पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो मोबाइल फ़ोन में लिया है 8 GB RAM में लिया है और 128 GB ROM के अंदर लिया है हमने मोबाइल फ़ोन, और इसका जो मॉडल नंबर आपको दिख रहा है DN2101। बाकी सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। डिवाइस नेम आपका दिखा रहा है OnePlus Nord 2 5G, एंड्रॉयड वर्जन 11 पे वर्क करेगा। बाकी इसकी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर दी गई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी सेटिंग वगैरह हम अभी बाद में कर लेंगे, जो भी इसके अंदर हमें करना है। बाकी फ़ोन के साथ में जो ऐप दी जाती हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर YT म्यूजिक, यूट्यूब, सारे फीचर्स ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन है, तो वो आप चेक कर सकते हैं इसमें। बाकी डिस्प्ले की मैं बात दोबारा से करूंगा, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है इसकी डिस्प्ले। अगर आपको OnePlus Nord 2 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।